अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद करती हूँ हम बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि मामा जी सेवियाँ हमारे लिए बनाओ, तो उनके लिए सेवियाँ बनाएँ, लेकिन मैंने अपने लिए शाम का टाइम चाय बना लिया। तो ये देखिए सेवियाँ मुझे सेवियाँ बनाने लगी हैं, और इसमें मैंने कैस्टर का एक पैकेट डाल दिया है। ये हमारा 2 किलो दूध है, तो हमारा कैस्टर का मैंने एक पैकेट डाला क्योंकि इसमें सेवियाँ भी डालनी है। ये देखिए, और जो हमारा कैस्टर है अभी पकेगा, तो फिर इसमें मैं सेवियाँ डालूँगी। ये 7 रंग सेवी है, और अब मैं इसमें डालने लगी सेवियाँ। लेकिन इसमें मैंने सेवियाँ डाल दी हैं, तो मैं इसे हिलाए जाऊँगा, तो ये ठंडी हो गई जाएगी ना, तो फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर सुबह बच्चों को दूँगी। ये देखिए, और आंच मैंने स्लो की हुई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सभी अपना का अपना काम करके चले गए अपने कमरे में, और मैं अभी किचन में ही हूँ क्योंकि आरम रो रहा था और कुछ सेवियाँ बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, वो चाँद देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है। ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है, और किचन में बहुत गर्मी लग रही है, तो दिल भी नहीं कर रहा किचन में जाने को। कैसे लगता बाहर आ जाऊँ? बाहर फिर भी थोड़ा सा सुकून है, ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए चांद, देखिए और वो अरहम, देखिए शाम का टाइम और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मामा कब फारग होते मुझे सिलाए। ये देखिए फिर आ गया किचन। ये देखिए क्या लेना अपना फिल्टर, ना ये लो पड़ा पड़ा है आपका फिल्टर ले लो। ये बनेगा तो मैं इसे बर्तन में डालूंगी, और ये देखिए किचन में खिला रहा, और ये बर्तन भी धोने वाले हैं अभी। तो मैंने कहा कि ये कर लूँ ना पहले कैस्टर वगैरह का काम, तो और सेवियों का, तो फिर मैं बर्तन में डाल के तो फिर बर्तन सारे धोएंगे। तो शाम का टाइम और 7-8 बज चुके हैं, तो मुझे 8:30 हो ही जाने हैं। तो ये देखिए बच्चे अंदर हैं अपने 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 कमरे में, उधर अपनी दादी के कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हैं। और ये देखें कमरे की, अभी कमरे से गए हैं, हालत देखें कमरे की क्या की हुई है, और वो मैं खड़ी हुई हूँ। चीनी इसमें मैंने डाल दिया, तो बस थोड़ी सी देर और तो फिर बन जाएंगी। ये देखें फ्रिज में रखूँगी ना ठंडी हो जाए, पर सुबह खाने का बहुत बहुत मज़ा आता है। ये देखिए बस होने वाला है, थोड़ी सी आग में तेज़ कर देती हूँ क्योंकि आराम हो रहा है, तो क्या मैं मुझे जल्दी जल्दी सिला दें। ये देखिए बर्तन में आधे धो गए हैं और आधे रह गए हैं। ये देखिए बस
उतारने लगे हम सेवी। ये देखिए कैस्टर और सेवी, चीनी मैंने इसमें डाल दी है, चेक कर रही है। तो पता है कि दिन को इतनी गर्मी होती है तो काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस समय किचन का डब्बे वगैरह काफ़ी गंदे हुए थे, तो मैंने कहा चलो धो के रख लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ मेरा कैस्टर भी बन रहा है और चमचा भी हिला रही है, और चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा, रूम भी कम कर रहा है, सोना है उसने। डब्बे हमारे बोल चुके हैं और ये कैस्टर भी साथ साथ में हिला रही है, क्योंकि मुझे जल्दी भी बहुत है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ और हमने सोना होता है, वो अपने पापा के पास नहीं सोता, तो इस वजह से मैंने उसे सिलाना होता है। तो ये बस हमारा इस सेवियों पे और कैस्टर पे टाइम लग जाता है, तो शाम भी काफ़ी हो चुकी है। चूल्हा फ्रेंड्स मैं बंद करने लगी हूँ और सफाई वगैरह भी मैंने कर ली है, बस थोड़ी सी इधर आ गई चूल्हा साफ़ करने वाला। तो ये देखिए कैस्टर हमारा सेवी तैयार हो चुकी है, फिर ठंडी होएगी तो इसमें जो फ्रूट वगैरह है वो डालूँगी। कितनी माशाल्लाह गाढ़ी बनी है और बहुत ही खुशबू आ रही है। ये देखिए 8:30 हो चुके, मैंने आपको कहा भी था 8:30 हो जाने, और जाने भी होनी शुरू हो गई है, तो इस टाइम तो और हम सो जाता है। ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इसे बर्तन में डाल के यहाँ रख दूँगी ना अभी, तो फिर मैं इसके जो फल वगैरह वो उसमें डाल दूँगी, तो सुबह बच्चों को दूँगी। तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर किया करें प्लीज़, आपके बहुत प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने हर किसी को सपोर्ट की है, प्यार किया है हर किसी के चैनल को, लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी नोट कर, हर ब्लॉग के नीचे नूर का मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएं और लाइक और शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर भी किया करें, तो बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।